सो दोस्तों अभी हम देखेंगे एक टॉपिक फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ लेयर टेक्नोलॉजी जो कि हमारा SCPM एक सब्जेक्ट है ओके तो उसके अंदर ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां पे हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो कौन से एक जो एक लेयर स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं एक लेयर टेक्नोलॉजी जो हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने चार लेयर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बेस लेयर टू द टॉप लेयर बहुत ही बेसिक है ये पहली बात तो क्वालिटी फोकस ऑब्वियसली क्वालिटी फोकस ये एक तरीके से बेडरॉक ऑफ एनी प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट ले लो सबसे मेजर पार्ट होता है उसकी क्वालिटी क्वालिटी कैसी अगर क्वालिटी है तो ज्यादा बिकेगा सो इसलिए सबसे पहला जो फोकस हम प्राइमरी फोकस रखते हैं वो क्वालिटी के ऊपर रखते हैं क्वालिटी इज नथिंग बट डिग्री ऑफ गुडनेस इट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ गुडनेस कुछ और पैरामीटर भी हम लोग उसके अंदर देखते हैं करेक्टनेस करेक्टनेस मतलब क्या उस क्वालिटी से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी हमें जो भी एक्सपेक्टेशंस थी कितनी करेक्ट है कितने पास है वो करेक्टनेस के कितने पास है तो वो हम यहां मेजर करते हैं करेक्टनेस मेंटेनेबिलिटी मतलब अगर समझ लीजिए मुझे अपने जो प्रोजेक्ट है या फिर अपना जो सॉफ्टवेयर है उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है ओके उसकी मेंटेनेबिलिटी मुझे कैसे चाहिए फिर इजी चाहिए ताकि मैं उसको इजीली मॉडिफाई कर सकूं और अगर कोई सॉफ्टवेयर easily maintainable होता है तो वो हमेशा उसकी क्वालिटी हाई होती है because if you can maintain your software in a good way your quality of product is good then there is a usability how easily your product can be used by the users कितने easily वो use किया जा सकता है इस्तेमाल में लाया जा सकता है तो ये तो हो गया क्वालिटी फोकस जो कि एक बेडरॉक ऑफ एनी प्रोडक्ट होता है एक बेस है सारे प्रोडक्ट्स का उसके बाद हम आगे आते हैं प्रोसेस इसमें सबसे पहले तो भी व्हाट टू डू हम लोग सवाल पूछते हैं क्या करना चाहिए व्हाट वी शुड डू एक्चुअली तो ये जो व्हाट जो क्वेश्चंस हैं ये यहां पे ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द प्रोसेस और इसमें हम लोग व्हाट जो क्वेश्चंस हैं हम लोग किससे रिलेट करते हैं व्हाट एक्टिविटी शुड बी कैरीड आउट व्हाट एक्शंस टू बी टेकन व्हाट टास्क आर टू बी परफॉर्म तो यहां पे सारे व्हाट सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब दिए जाते हैं लेकिन जहां पे यहां जवाब हमें मिल रहे हैं व्हाट के एक सवाल उठता है हाउ जैसे ही होता है ना रियल लाइफ में भी हम लोग पूछते हैं अरे यार ये क्या करना है अभी क्या करना है चलो अगर हम लोग डिसाइड भी कर ले अच्छा ओके ये करना है फिर सवाल उठता है कैसे करना है भाई तो फिर कैसे करना है हाउ टू क्वेश्चंस आर बीइंग गेटिंग कम आउट फ्रॉम दिस प्रोसेस यहां से निकलते हैं हाउ टू क्वेश्चंस अभी जो हाउ टू क्वेश्चन यहां से ओरिजिनेट हुआ इसका जवाब हम लोग मेथड्स ढूंढते हैं यानी कि अगला जो हमारा लेयर है उसमें ढूंढते हैं मेथड्स मेथड्स क्या है यहां पे इट डील्स विद हाउ टू इंप्लीमेंट यहां पे सवाल पैदा हुआ हाउ टू यहां पे जवाब मिला हाउ टू इंप्लीमेंट किस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जाए किस तरीके से एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट किया जाए कम्युनिकेशन सबसे जरूरी अगर आपको ये मेथड फेज में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो कम्युनिकेशन मतलब कस्टमर और जो डेवलपर है वो या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में एक फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए जब तक फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और जो रिक्वायरमेंट है जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियर नहीं होगी आपकी रिक्वायरमेंट जितनी क्लियर होनी चाहिए मतलब एक्यूरेट क्लियर और वैलिड होनी चाहिए रिक्वायरमेंट इट शुड नॉट बी एम्बिगुअस एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स कभी नहीं होनी चाहिए डिजाइन मॉडल ऑब्वियसली जब भी आप डिजाइन भी करोगे मॉडल तो वो इस तरीके से करना है कि वो यू नो मेंटेनेबल हो उसमें करेक्टनेस की डिग्री ज्यादा हो इन अ वे उसको इस तरीके से डिजाइन करो कि आपका जो फोकस जो क्वालिटी फोकस है वो बना रहे उसके ऊपर यूजिंग ऑफ प्रोग्रामिंग टूल ऑब्वियसली आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करोगे कंपाइलर्स यूज करोगे सो दीज आर नथिंग बट प्रोग्रामिंग टूल्स आपको उसमें यूज करने पड़ेंगे दैट इज द इन टर्म्स ऑफ मेथड्स आप ये चीजें उसमें यूज करोगे Then comes testing and support. Obviously, एक बार software आपका बन गया, तो यही बात खत्म नहीं होती। आपको check करना है भाई कि ये test के ऊपर खरा उतरता है कि नहीं। कुछ test tools आप लोगे, कुछ test cases लोगे, उसके ऊपर आप थोड़ा सा data लोगे, sample data, फिर आपके software को आप test करके देखोगे, and then you will see कि क्या ये requirements या फिर जो भी हमारी quality हम expect कर रहे थे, उसके करीब पहुंच पाया है कि software जो हम लोग expect कर रहे थे, अगर नहीं पहुंच पाया तो उसको support provide करते हैं हम लोग, support किस तरह provide करते हैं कि वो अपने efficiency के जितना जितना desired efficiency थी उसके उतना पास जा सके, तो इसके लिए हमें लगते हैं tools तो टूल्स कौन कौन से जैसे कि एनवायरनमेंट मतलब जिस एनवायरनमेंट में आप अपने सॉफ्टवेयर को बना रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन सा एनवायरनमेंट है प्लस these tools are nothing but helping hand of the process मतलब जब आप कोई भी process carry out करते हो चाहे वो activity हो actions हो जो भी task आप carry out कर रहे हो उसमें बिना tools के कैसे करोगे यार how you would be performing that is why it is giving a automated support ये tools आपको एक automated support देते हैं for software development and basically ये tools कहाँ use होते हैं चाहे आप code कर रहे हो चाहे आप design कर रहे हो या फिर test भी कर रहे हो तो हर जगह आपको tools लगने ही वाले हैं
एंड सेल, अगर आप सेल भी कर रहे हो तो इन सारी चीजों में आपको टूल्स लगने वाले हैं, आपको सपोर्ट लगने वाला है। तो इन अ वे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको टूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मेथड्स आपको हाउ टू क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, प्रोसेस आपको व्हाट टू, जो ये सवाल है यहाँ पे पूछे जाते हैं उनके जवाब मिलते हैं, एंड हाउ टू क्वेश्चंस जनरेट होते हैं प्रोसेस इस लेयर से, और क्वालिटी फोकस में आप डिग्री ऑफ गुडनेस देखते हो आपके प्रोडक्ट की। सो दोस्तों ये थे एक यू नो दिस वॉज अ लेयर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आ गया तो यार प्लीज लाइक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।